देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद आजम का 28 सितंबर को देश भर में जयंती मनाया जाता है। इसी क्रम में आज मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन और जीविका बचाओ आंदोलन के बैनर तले शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए उनके बारे में व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिला संयोजक मोहम्मद गौरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद आजम के साथ ही उनके साथियों का भी देश की कुर्बानी में योगदान बताया। मोहम्मद गौरी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत कम समय में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह चाहते थे कि हमें ऐसी आज़ादी मिले जिसमें ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा, ना गरीब हो ना अमीर, सब एक समान हो। आपको बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर साल 1907 को पाकिस्तान के पंजाब में लयालपुर के बांगा गांव निवासी एक सिख परिवार में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। भगत सिंह को आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें महज 23 साल की उम्र में फांसी दे दी थी। 28 सितंबर है, 28 सितंबर को सभी लोग भारत के शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि 27 और 28 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है। हमारा संगठन हर साल शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाता है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जिला मुख्यालय पर हमने ये प्रोग्राम रखा है कि उनका हम जन्मदिवस मनाएंगे, और सभी लोगों से आग्रह किया था आने के लिए। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। उनके जो भगत सिंह जी के विचार थे आज़ादी के लड़ाई में, उन्होंने बहुत कम समय में इतनी ताकत झोंक दी थी आज़ादी पाने के लिए कि अंग्रेज़ भी उनसे डरते थे। और जो उनके विचार थे आज़ादी हमारी ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, ना गरीब हो ना अमीर हो, ना मालिक हो और ना कोई नौकर हो। नौकर और मालिक के का बीच का जो फासला है वो कुछ नहीं होना चाहिए। सबको एक समान, सबको रोज़गार होना चाहिए, सबका हर चीज़ पर अधिकार होना चाहिए। उनके ऐसे विचार थे, ऐसी आज़ादी वो चाहते थे।